मोहन, ये क्या बदतमीजी है बेटा? हमने महापंडित जी को खास निमंत्रण देकर बुलवाया है। परंपरा का अपमान हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे मोहन। कोई भी परंपरा हमारे परिवार से बढ़कर तो नहीं है ना मां। मां, मेरा दिल कह रहा है कि गुनगुन राधा केतकी वो लोग ठीक नहीं है। मेरा उनके पास होने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता मां। मोहन प्लीज, कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मोहन, ये वहम को अपने दिल से निकालो। इस वहम से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। नहीं माम, मोहन वहमों में फटने वालों में से नहीं है। मोहन जब भी कुछ करता है ना, सोच समझ के करता है। अगर उसे गुनगुन राधा या केतकी के लिए टेंशन हो रही है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। मोहन, कोई और तुम्हें समझे या ना समझे, पर मैं समझ रही हूँ। बताओ ना, कुछ कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी राधा से बात हुई थी ना, कुछ कहा क्या उसने? हाँ। तो क्या उसने कहा कि वो किसी खतरे में? तो फिर हम सब चलते हैं ना मां, पुलिस को फोन करते हैं। फिर उसने ऐसा नहीं कहा। मोहन बताओ, क्या कहा उसने? कि वो ठीक है। मोहन, अगर उसने कहा है कि वो ठीक है, तो वो ठीक ही होगी ना। वैसे भी राधा कभी झूठ बोलती ही नहीं है। देखो बेटा, ज्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। वो क्या होता है ना, कभी कभी ज्यादा चिंता करने की वजह से हम बड़े लोग कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि उसका नुकसान छोटों को भुगतना पड़ता है। अब देखो ना, तुमने इस चिंता की वजह से महापंडित जी का अपमान कर दिया। हो सकता है कहीं इसी गलती की वजह से उन्हें गुस्सा आ गया तो, श्राप दे दिया तो। अरे, भारी तो हमारी गुनगुन पर ही पड़ेगा ना। मासी, दीदी, समय और संजोग देखकर तो बुला कीजिए। जब भी मुंह खोलेगी गलत ही बोलेगी। हम तो गुनगुन के लिए ही बोल रहे हैं कादंबरी। अब देखो ना, कहीं पंडित जी गुस्से हो गए और गुनगुन को श्राप दे दिया। बस मासी, अगर मेरी गुनगुन को कुछ हुआ ना, पूरी दुनिया को श्राप दे दूंगा मैं। नहीं, क्या लड़ाई है? खाना खिलाने की लड़ाई है ना, तो ठीक है, खिला देता हूँ खाना। मोहन, तुम इनकी बात मत सुनो। ये जरूर इस दामिनी और कावेरी मासी का तुम्हें रोकने के लिए कोई प्लान है। प्लीज जाकर देखो ना गुनगुन को।